Audio Jungle. ये डॉकर्स का है इनका, और डॉकर्स का नेथन आर्टिकल है ये आर्टिकल जी जी, ये अराउंड वही 12 से 13 हज़ार का शूज़ है, और यहाँ पर ये 4950 के अवेलेबल है। एडिडास का ये हमारा ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल में आया हुआ है। अब इसके अंदर स्टॉक लॉट की आई हुई है, ये यहाँ पर 3450 का शूज़ है। अब ये और नाइकी का ओरिजिनल में आया हुआ है, नाइकी का ओरिजिनल जी। ये OBJ जॉय राइड है आर्टिकल्स का। इसकी क्या ओरिजिनल प्राइस है और आपके पास? ये तो अराउंड जो इसकी ऑफिशियल प्राइस थी वो $200 थी। अब मेरे ख्याल से इन्होंने सेल पे उन्होंने इंटरनेशनली लगाई है कि नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पर ये जो अवेलेबल था 4200 का था। $65 जो है अराउंड इसकी रिटेल है, और यहाँ पर ये 3450 का है। स्केचर्स का शूज़ है इस तरह, ये यहाँ पर 3650 का है फैक्ट्री रेट्स पे, और जो इसकी रिटेल प्राइस है वो 11 से 12 हज़ार। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? सस्ते अच्छे शूज़ ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, यानी इम्पोर्टेड शूज़ मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो मशहूर ब्रांड्स हैं उनके शूज़ तो कराची में बहुत कम कीमत में मिलते ही नहीं है, और मिलते हैं तो उस पर ये खदशा होता है कि जाली ना हो। तो आज हमने कराची में एक ऐसी दुकान ढूंढी है जहाँ पर आपको इम्पोर्टेड ब्रांडेड शूज़ इंतहाई कम कीमत में मिल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं और उनकी कीमतें क्या हैं, तो चलिए हमारे साथ। अब तारुफ करवाइएगा, क्या नाम है आपकी शॉप का, कहाँ पर आपकी आउटलेट्स हैं, और ओरिजिनल किस तरीके से इतने कम दर्जों में? अच्छा जी, पेलेस जो है वो आउटलेट है, ये फैक्ट्री आउटलेट शॉप है एक्चुअली, और अराउंड हमें 15 ईयर्स हो गए कराची में भी और लाहौर में भी आउटलेट्स हैं हमारी। कराची में 3 है, लाहौर में 3-4 आउटलेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर होता ऐसा है कि एक्सपोर्ट के लेफ्ट ओवर्स और इम्पोर्ट होते हैं हमारे स्टॉक लॉट्स, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो रेट बहुत कम आते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये डॉकर्स का ही शूज़ देख लेते हैं। अब ये $85 का शूज़ है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है ये 4950 में अवेलेबल है, 9,950 का ओरिजिनल में है डॉकर्स में। वो आपको जब चीज़ उठा के पता चल जाता है लेदर का और क्वालिटी का ही पता चल जाता है। अब इसी 12 से 13 हज़ार का स्केचेस मिनिमम अब शूज़ हो गया है। अब यहाँ पर जो है वो 3650 का। अब क्यों है, इसमें किसी में हल्की सी ग्लू आउट होगी या नहीं, किसी में बिल्कुल फ्रेश भी होगा। ठीक है, इसकी क्या प्राइस है और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जी वही $65 जो है अराउंड इसकी रिटेल है, और यहाँ पर ये 3450 का है, 3450 का यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, ये इनका एडिडास का शूज़ है ZX 4000। अब ये जिस तरह यहाँ फैक्ट्री रेट पे था 4000 का यहाँ पर इसके फैक्ट्री प्राइस थे, अब ये सेल पे आ गया है फर्दर और, तो ये आपको 3000 का यहाँ पर अवेलेबल होगा रिटेल। ओरिजिनल एडिडास जी, ओरिजिनल एडिडास में स्टॉक लॉट के अंदर आया हुआ था। अब आप इसमें अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इसमें इतना वैसे है नहीं, ग्लू आउट हुई हुई है थोड़ी सी, तो ये जिस तरह ये 18 to 20 thousand का शूज़ है, तो ये कुछ इस वजह से रिजेक्शन आ जाती है, तो इस वजह से भी यहाँ पर शूज़ आ जाते हैं, इतना महसूस भी नहीं होता जी बिल्कुल। ये जो है वो लॉन्ग बहुत ज़्यादा जो है ना ड्यूरेबल शूज़ होते हैं, और कुछ नहीं होता इनको बिल्कुल। इसी तरह इसमें कुछ कलर्स भी थे हमारे पास, ये भी कलर था, ये भी इसी तरह ये सेल पे आया हुआ है। सही, और सबसे ज़्यादा पसंद आजकल लड़के यही स्टाइल के शूज़ कर रहे हैं जी, ये हैं स्नीकर्स हो गए, जॉगर्स हो गए, वो तो हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड जी। ठीक है, चलो एडिडास का ये हमारा ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल में आया हुआ है। अब इसके अंदर स्टॉक लॉट की आई हुई है, ये यहाँ पर 3450 का शूज़ है, रिटेल इसकी अराउंड $64 का शूज़ है, ये 10,000 का शूज़ है जी जी, 10,000 से भी ऊपर कोई जा रहा होता है। और ये पहले जो लेके जाते हैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि यार कोई मसला नहीं होगा, ओरिजिनल होगा बिल्कुल। देखें हम लोग का यही है ना, हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सब रिटेन कस्टमर हैं हमारा, वो हिसाब किताब है नहीं कि हम
जो है फेक करके बेच दें या फिर जो चीज़ है अभी और नाइकी का ओरिजिनल में आया हुआ है जी, ये OBJ जॉय राइड है आर्टिकल्स का। इसकी क्या ओरिजिनल प्राइस है और आपके पास? ये तो अराउंड जो इसकी ऑफिशियल प्राइस थी वो $200 थी। अब मेरे ख्याल से इन्होंने सेल पे उन्होंने इंटरनेशनली लगाई है कि नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पर ये जो अवेलेबल था 4200 का था, यानी तकरीबन 35 से 36 हज़ार का है तकरीबन पाकिस्तान में। देखिए अब आप ये देखें कि एडिडास के भी आउटलेट पे आप जाते हैं, नॉर्मल जो अल्ट्रा बूस्ट जो उनका आर्टिकल है वो भी 20,000 से अबव जा रहा होता है, नाइकी के भी इसी तरह हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनके रेट्स हो चुके हैं। अब हम लोग स्टाइल कौन सा इन्हें एडिडास नाइकी के अंदर ज़्यादा? देखिए एडिडास नाइकी में बूस्ट V3 और जो है वो बूस्ट 360 ये सारे इन हैं, इसी में हमारे पास तरह ये नाइकी का आ गया, ये ओरिजिनल में है ये वाला। इसमें हमारे पास और भी काफ़ी वैरायटी होती है, अभी फ़िलहाल कुछ काफ़ी स्टॉक हमारा ख़त्म भी हुआ, अभी इंशाल्लाह रीस्टॉक भी होना है हमारा अनकरीब। और इसकी क्या कीमत है और इसमें कलर वगैरह डिज़ाइन और साइजेस भी होते हैं? साइजेस भी होते हैं, यूजुअली हमारे पास जो है वो 44-45 वाले सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो बड़े साइज वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर कलर्स भी आते हैं हमारे पास और जो है वो साइजेस भी आते हैं हमारे पास। कभी कभार हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया कि स्टॉक लॉट्स आ रही होती हैं हमारे पास, तो वो उसमें साइजेस का इशू होता है कि पूरे साइजेस नहीं होते, तभी ये रेट्स आ रहे होते हैं। ये ब्रांड नहीं है, अनब्रांडेड है, इम्पोर्टेड शूज़ है ये, और ये यहाँ पर अब जो है 2500 का शूज़ है ये, और इसकी रिटेल जो है वो 5,000-4,500 रिटेल है, इम्पोर्टेड शूज़ है, धुल जाता है कोई? बिल्कुल वॉशेबल हैं ये, वो सारे वॉशेबल्स होते हैं जॉगर्स का, ये इनर सोल आप निकालें और बिल्कुल आप जो है वो वॉश कर सकते हैं, हैंड वॉश करेंगे तो इसकी लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। लोफर्स की वैरायटी हमारे पास है काफ़ी, इसमें एक्सपोर्ट के भी हैं हमारे पास जी, ये लिवर्जी है और जो है ये एक्सपोर्ट का इनका, ये भी जर्मनी का इनका एक्सपोर्ट का है, तो ये जो है अराउंड 54 यूरो का शूज़ है, तो यहाँ पर ये 2850 का है, प्योर लेदर में ये तरह, ये इनका एक्सपोर्ट का शूज़ है, एक ला फेमिलिया का जर्मनी का इनका एक्सपोर्ट का, हमारी यहाँ लोकली प्रोडक्शन होती है, पाकिस्तान में ही प्रोडक्शन होती है और एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ से जब वो एक्सपोर्ट होता है उसमें कुछ आपको पता है बीपेयर भी आते हैं जिस तरह हमारे गारमेंट्स में होते हैं, और इसमें भी इसी तरह से होता है, और कुछ फ्रेश में भी आते हैं जो विदाउट डिफेक्टेड होते हैं। हाँ, कट साइजेस भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास रेट बहुत कम होते हैं। इसी में हमारे पास इनके जिस तरह बहुत से ब्रांड्स आ जाते हैं, अभी सेज का इनका ये 8,000 का शूज़ है, लेदर सोल में हैंडमेड शूज़ है, और हमारे पास ये है 3990 का, ये फ्रेश में ए पेयर में है, इसमें कोई ऐसा कोई बी पेयर वगैरह नहीं है। इसी तरह हम अगर आगे चलें, हम इधर हैं, हमारे पास इनके फॉर्मल पे भी हैं, कैजुअल्स में हैं। अब एक ये है इनका शूज़, ये लाहौले आर्टिकल इनका एक ब्रांड है बाहर का, अभी आप देख सकते हैं कि 54 यूरो का शूज़ है, और जो यहाँ पर ये अवेलेबल है वो 3500 का है। 3500 जी, अब ये ए पेयर में है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्री कट साइजेस में आया हुआ है, इसलिए फैक्ट्री रेट्स में। ये लिवर्जी है और जो है ये एक्सपोर्ट का इनका, ये भी जर्मनी का इनका एक्सपोर्ट का है, तो ये जो है अराउंड 54 यूरो का शूज़ है, तो यहाँ पर ये 2850 का है, प्योर लेदर में, ये स्वेड लेदर में। इसी तरह हमारे पास इनके इस स्टेलिन के भी कुछ इनके लोफर्स हैं, मेडिकेटेड इंसोल के साथ है, ये भी अराउंड 4500 डिटेल है इसकी, यहाँ पर ये 2000 का है। ये शूज़ बड़ा अच्छा लग रहा है लेदर में, ये कौन सा ब्रांड है? ये डॉकर्स का है इनका, और डॉकर्स का नेथन आर्टिकल है ये, जी जी, ये अराउंड वही 12 से 13 हज़ार का शूज़ है, और यहाँ पर ये 4950 का अवेलेबल है। 4950 जी, लेदर में है ये, प्योर और प्योर लेदर में है ये, इनके एक्सपोर्ट का है ये भी, अराउंड 9 to 10,000 का शूज़ है ये। बोर्डजान जो हमारा लोकल है उस पर है, और आपके उस पर भी है, और भी ब्रांड्स हैं उनके लिए भी बन रहे होते हैं, तो ये जो है वो यहाँ पर 4500 का है। 4500 जी जी, ये टोटली हैंडमेड शूज़ है लेदर सोल में, और ये नीचे शूज़ है बड़ा ही चमकता धमकता सा, ये कौन सा ब्रांड है? ये स्टैलियन का इनका, स्टैलियन का, इसमें हमारे पास ब्लैक भी अवेलेबल है, वो बेहद इस आउटलेट पे आज हमारे पास ख़त्म हो गया। स्टैलियन जी, ये कहाँ का ब्रांड है? और ये इनका ये भी बाहर का आयरलैंड का है, या मेरे ख्याल से काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट इसकी वैसे जो प्राइस है वो तो
4500 टू 5000 है, यहाँ पर ये 2200 का है। 2200 ये स्लिपर देख सकते हैं, ये इनकी एस ओलिवर की जर्मनी की इनकी एक्सपोर्ट की थी तो उस पर लेफ्ट ओवर है। ये अराउंड 35 to 40 यूरो की स्लिपर है, तो ये 2000 की यहाँ पर अवेलेबल, अभी हमारा न्यू अरावल में है ये। इसमें हमारे पास कुछ डिज़ाइन भी हैं, ये भी है एस ओलिवर की, ये इनकी स्लिपर है। इसी तरह में हमारे पास और भी स्लिपर्स हैं इनकी एक्सपोर्ट की, टेक्स मैन है इनका, ये यहाँ पर 1650 या 1750 के अराउंड स्लिपर है, लेदर में प्योर। आगे शूज जी, शूज़ में हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये स्नीकर है, ये जो है अराउंड 4 to 4500 रिटेल है इसकी, तो यहाँ पर जो है ये अभी इस पर आज़ाद जो सेल भी चल रही है तो ये 1650 का अवेलेबल है, 1650 का जी जी नहीं, और ये स्नीकर हैं, ये अलग हैं, ये जी 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 जिन अलग ही ब्रांड का है। और इसी तरह हमारे पास ये भी हैं शूज़ जी, एक अलग से इन्होंने बहुत ज़्यादा बनाया था, अट्रैक्शन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा शूज़ में, और जो है वो लेदर में, ये प्योर लेदर में है। इसकी यहाँ पर जो रेट है इसके तकरीबन 2850 है फैक्ट्री रेट पे, और ये शीट सोल में बना हुआ है इम्पोर्टेड जी, फैक्ट्री रेट पे हम लोग जो बता रहे हैं आपको, रिटेल जो है इसकी 4500 है। इसी तरह ये आ गया, ये भी पेटेंट के अंदर बना हुआ है, और ये जो है वो 2250 इसकी यहाँ पर फैक्ट्री प्राइस है, और 4500 इसकी रिटेल है। और ये स्टैलियन का है बिल्कुल, ये भी इनका स्टैलियन कंपनी में